गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, रोज की तरह दो स्टॉक पे खरीदारी करनी है। आज एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक एफएनओ का स्टॉक है। बताएं सर, शुरुआत करें। अनिल जी, पहले एफएनओ का स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। जो आज एफएनओ का स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है वो है रेल इंडस्ट्रीज जनवरी फ्यूचर, जो कि अभी 229.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ये कंपनी सीमेंट का कारोबार तो ही है इनका, जहाँ पे इनकी 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है, बट इनके पास कैल्साइन पेटकॉक उसके अराउंड 2 मिलियन टन की कैपेसिटी है। ये जो प्रोडक्ट है ये एल्यूमिनियम प्राइजेज या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के जो फॉर्चून था उसके साथ साइड अप है, और एल्यूमिनियम के प्राइजेस में कहीं कोई गिरावट नहीं है, जिसके कारण से हम देख रहे हैं आज के इस तरह के बाजार में भी हिंडाल्को आज 3% ऊपर है, 515 के लेवल पे है, और हिंडाल्को भी स्टेबल है। एल्यूमिनियम के प्राइजेस जो पिछले साल इस समय $1500 पर टन का प्राइस था, वो अब बढ़ के 2900-3000 डॉलर के आजकल भाव चल रहे हैं, और उस पर ये जो CPC इनका जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले क्वार्टर्स में भी, और इस कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते लग रहे हैं। हाफ ईयर खत्म हो चुका है, उससे इस कंपनी ने 500 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, और अगर उसको हम एक्सट्रापोलेट करें तो इस साल FY22 में, मतलब दिसंबर के नतीजे आएंगे, फिर मार्च क्वार्टर के नतीजे होंगे, और मुझे लगता है अराउंड 1000 से 1200 करोड़ के पैट आ सकते हैं, और कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 7800 करोड़ के करीब। तो 6-7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बाकी कंपनी का पूरा फोकस अपने कर्ज को कम करने में है। फिर FISDI अराउंड 15% के करीब हिस्सेदारी रखते हैं, और इसमें एक खास बात है, मोहिनी पापराई जो कि इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर है, उनकी हिस्सेदारी है 7.5%, और उन्होंने सितंबर क्वार्टर में जो 7.5% थे वहां से बढ़ा के दिसंबर क्वार्टर में 7.5% की हिस्सेदारी की है, तो वो लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। फिर डॉली खन्ना भी अराउंड 1.15% स्टेक ऑन करती है। कंपनी का सितंबर क्वार्टर भी अच्छा था। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जब सेंटिमेंट ठीक होंगे यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 245 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है और 225 का स्टॉप लॉस है। यह है रेन इंडस्ट्री, पहला स्टॉक जहां पर 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय। जी गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, रोज की तरह दो स्टॉक पे खरीदारी करनी है। आज एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक एफएनओ का स्टॉक है। बताएं सर, शुरुआत करें।